दोगे ना तो हम आपको 2000 की गड्डी देंगे। क्या बात कर रहे हो भैया, एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? वोट देने जा रहे हो? वोट देने? आप हमको दो वोट, हम आपको देंगे दारू की बोतल। अरे बेटा, आप हमको वोट दो, हम आपको माला माल कर देंगे। अरे भैया, आप हमको वोट दो, हम आपकी शादी कराएंगे। अरे भैया, अरे भैया, आधा वोट, अरे छोड़ो मुझे, मैं अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ कि आप लोग के लालच में आ जाऊंगा। अब मेरी शादी करा दोगे, 2000 रुपया दे दोगे, दारू दे दोगे, चिकन दे दोगे, मैं ये सब चक्कर में नहीं फंसने वाला। अब मुझे अपने चाचा के पास कॉल करके पूछना होगा और ये जानना होगा कि वोट किसको देना है। अभी मैं अपने चाचा के पास कॉल लगाता हूँ। चाचा कौन सी पार्टी में आपका? हेलो हेलो, अरे चाचा जी कहाँ हो? अरे कौन बोल रहा है भाई? अरे चाचा, मैं आपका भतीजा बोल रहा हूँ। मेरा भतीजा कौन है बे? अरे चाचा, लल्लन सिंह। अच्छा अच्छा, अरे भाई जो बचपन में पैंट में मुद्दिया करता था। चाचा जी, चाचा जी ये सब छोड़ो यार। हाँ बताओ बताओ, क्या मैं फंस गया हूँ? अरे तुमको कितनी बार बताया हूँ कि मेरे पैजामा मत पहन, मत पहन। हे भगवान, आपके पैजामे में नहीं तो क्या? चुनाव का माहौल चल रहा है, ये नहीं समझ पा रहा कि मैं वोट किसको दूँ। यहाँ दो नेता आके मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, कोई कह रहा चिकन दूंगा, दारू दूंगा, पैसे दूंगा। अच्छा, तुम्हें लालच दे रहा है? हाँ लालच दे रहा है मुझे। अच्छा मैं यही तो जॉब पे हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आता हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ यार, यहाँ पे भी ना सब कैसे कैसे रहते हैं। अरे चाचा, अरे 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 यार, कैसे आता है तू? जैसे आया जाता है। अरे चाचा, वो मैं फंस गया था यार। कहाँ फंस गया था? अरे दो नेता मुझे फंसा लिए थे, कोई कह रहा दारू दूंगा, पैसा दूंगा, शादी करा दूंगा, ये वो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वोट किसको दूं मैं। अच्छा, तो मतलब तुम फंस गए थे? हाँ। तुम्हें पता है ना कि ये सबको वोट नहीं देना जो लालच देता हो? नहीं 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 पता था मुझे। अच्छा, वो आपने बता दिया। हाँ, ये सब जो लालच देता हो उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और उनको वोट नहीं देना चाहिए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ भैया? अरे वही हुआ। अरे चाचा बताओ, अभी सब भाई साहब किसे? अरे दो नेता मिल गए थे। हाँ। मुझे लालच दे रहे थे। अच्छा, कोई कह रहा था मुर्गा दूंगा, कोई पैसा दूंगा, शादी करा दूंगा, तो अरे हाँ। कैसी बात कर रहे हो, ऐसे लालचों में आके वोट नहीं देते, क्योंकि लालच में आके वोट दे दोगे तो आने वाले 5 साल का भविष्य अंधकार में जाएगा। क्यों भाई? सही कह रहे हो। तो इस बार क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो आपके क्षेत्र से हो, आपके लोगों के बारे में सोचे। अच्छा। युवाओं के बारे में सोचे। अच्छा। तरक्की के बारे में सोचे, है ना? लेकिन ऐसा है कौन? अरे है ना, कौन? अपने क्षेत्र से, बहुजन समाजवादी पार्टी से। कौन? अरे मुकेश शर्मा जी। अच्छा, वो मुकेश शर्मा जी? हाँ, तो बहुत नाम सुना है। अरे नाम क्यों नहीं सुनोगे, अरे इतने बढ़िया नेता है, इतने एक तो युवा नेता है। ऊपर हाँ। से उनका मानना है कि जब वो जीत के आएंगे। अच्छा, जब वो जीत के आएंगे तो जितने भी ये बेसहारा बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, हाँ। तो उन बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए क्या करा जाएगा, जो वृद्ध आश्रम होता है ना, उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। भाई सब तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी सुना ना कि जितने भी युवा और युवतियाँ हैं वो खेल कूद में जो रुचि रखते हैं ना, उनके लिए मैदान भी बनवाएंगे और ट्रेनर फ्री में रखेंगे। अरे ये तो है ही भाई। और तो और, अगर बहुजन समाज पार्टी से मुकेश शर्मा जी जीत के आते हैं ना, तो कन्याओं की शिक्षा के लिए महाविद्यालय का निर्माण करवाएंगे। भैया यही नहीं, हमेर विधानसभा से जब मुकेश शर्मा जी आएंगे ना भाजपा पार्टी से, तो किसानों के लिए और भाइयों के लिए यहाँ पे जो सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, वो सोलर पैनल लगवाएंगे और बिजली मुक्त करवाएंगे। यही नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए है ना, टैंकर लगवाए जाएंगे। और तो और, उनके ये जो बोरिंग लाइन होती है ना, इसकी भी व्यवस्था करवाई जाएगी। और मैंने सुना ना, जितने भी निर्धन लोग हैं उनकी जो बेटिया गरीब में शादी ब्याह नहीं हो पाता, वो उनकी पूरी व्यवस्था करवाएंगे। और इतना ही नहीं, जो निर्धन परिवार है उनका घर में अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए तक मुआवजा देंगे। अरे अपनी बहुजन समाजवादी पार्टी से मुकेश शर्मा जब जीत के आएंगे है ना, तो अपने क्षेत्र का इतना विकास होगा क्या बताएं? क्योंकि मुकेश शर्मा जी का मानना है कि नेता नहीं सेवक बने। बिल्कुल। आप एक जब नेता बनते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र के बारे में सोचे। और मुकेश शर्मा जी ये भलीभांति रूप से जानते हैं कि क्षेत्र का विकास करवाने के लिए और वोट की कीमत को जानने के लिए क्या मायने रखता है, है ना? तो इस बार जाना है 25 तारीख को, और जाके आपको हाथी के आगे वाला बटन दबा के बहुजन समाजवादी पार्टी से मुकेश शर्मा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। क्योंकि आपका वोट और आपका वोट, सबका वोट बहुत कीमती है। एक वोट बहुत कीमती है।
आने वाले 5 साल का भविष्य निर्भर करता है, है ना भाई? क्योंकि कहते हैं ना कि एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट, एक वोट भाई, एक वोट।